मैं इतना बड़ा मतलब पदयात्रा 200 किलोमीटर की पदयात्रा करके मिस्त्रंगा झंडा को मैं गोमपाड़ में आके सारे देश के कुछ बुद्धिजीवी लोगों के साथ आके हम पहराए थे। इसलिए पहराए थे कि इनको उस लोकतंत्र में लाया जाए, इनको संविधान पे विश्वास किया जाए। अब ये महिला, ये इड़मे की माँ लक्ष्मी, ये मुझसे कह रही है ये झंडा वापस लेके जा, अब ये झंडा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये झंडा को मेरे को भरोसा में मैं इतना 2 साल से रखी थी, लेकिन अब मैं नहीं रख सकती क्योंकि मेरे 6-6 लोगों को यहाँ मार दिया गया और सीधा फोर्स हमको बोल के गई है कि हम पूरे को आके खत्म कर देंगे, इसलिए अपना झंडा वापस लेके जाओ करके मुझे बस। तो मैं सब देश से यही अपील करना चाहती हूँ, आखिर मेरा क्या गुना था, मेरा क्या वो था। मैं तो ये सोच के इस जगह पे आके झंडा फहराई थी, वो भी ऐसी जगह में झंडा फहराया गया था जहाँ इतना नक्सल का गढ़ के नाम से सुना जाता है, उस जगह में मैंने झंडा फहरा के हम लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे, इन सब गोमपाड़ जो जनता है उनको एक साथ एक लोकतंत्र में लाने की कोशिश करते। अब मैं कैसे भरोसा दिलाऊं, अब कैसे बोलूं कि ये नहीं इस झंडा पर भरोसा करो, लेकिन ये भरोसा करने को तैयार नहीं है। कितनी दुख की बात इस देश के लिए, हम भारत देश के लिए, मुझे खुद को बड़ा बेइज्जती और बहुत दुख लग रहा है। मतलब मैं कह नहीं सकती कि मेरे को इतना ज्यादा झंडे के लिए लगा, मैं कभी सोची भी नहीं थी झंडा मेरे को वापस दिया जाएगा, लेकिन मुझे ये झंडा वापस करके इतनी सारी सवाल मुझसे पूछ रही है, मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है।